और उन रिश्तों की कदर है मुझे, एहतराम भी है मेरे दिल में, लेकिन इस वक्त मुझे सब किस रिश्ते को बचाने के लिए भेज रहे हैं ये भी जानती हूँ। नहीं तो इसमें क्या बुरा है? देख अभी तो सुलह की गुंजाइश है, आगे वो भी नहीं रहेगी। रिश्तों की कदर करना सीख। अब तो मेरी रोशनी को ही देख ले, किस चीज़ की कमी है उसमें। 22वां साल लग गया है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। बन जाएगी खाला। खैर बीच में वो हमारे रिश्तेदारों में एक उम्मीद तो बनी थी, तो जानती तो है वो शायस्ता और उसका बेटा, लेकिन वहां से तो ऐसी चोट खाई है रोशनी ने कि अभी तक दुखी है। दुखी? उसने तो खुद इनकार किया था ना। इनकार वो तब करती ना जब वो लोग रिश्ता देते, बल्कि हमारे सर पे तो जूती मारी है उन्होंने, इतनी बेइज्जती की है। तो मेरी रोशनी को देखो, इतने ख्वाब और इतनी उम्मीद बना के बैठ गई थी, इसलिए कहती हूँ रिश्तों की कदर कर। मेरी रोशनी तो उनके घर भी पहुंच गई और आखिर में वो लोग क्या निकले? मतलब उनका रिश्ता नहीं आया था और आपका दबाव नहीं था रोशनी पे कि वो कबूल करे, उसने खुद इनकार नहीं किया था? हाय अल्लाह, मतलब तुझे कुछ नहीं बताया रोशनी ने? मुझे तो लग रहा था तुम दोनों पक्की सहेलियां हो, वो तो मुझसे पहले तुझे सब कुछ बताती होगी। देख माहिन, तू रोशनी से ना कुछ जिक्र मत करना कि मैंने सब कुछ तुझे बता दिया है। देख वो बहुत लड़ाई करेगी मुझसे, मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। नहीं आप बेफिक्र हैं खाला, मैं नहीं बताऊंगी उसे कुछ। ये समोसा खाए। छोड़ इसको। देख माहिन तू सच बता रही है ना, कुछ नहीं बताएगी ना उसको? देख माहिन, तूने अगर रोशनी को बता दिया ना तो वो लड़ाई करके ना कई कई दिन तक कमरे में बंद रहेगी। अल्लाह ये मेरा अजाब है। वैसे अल्लाह हिदायत दे तुम लड़कियों को, उसको भी और तुझे भी, एक ब्याती नहीं और दूसरी ब्याह के निभाना नहीं जानती। बेफिक्र है खाला। टेंशन हो गई मुझे।